सब्यसाची का बर्थडे है, इसलिए हम सब लोग आए हैं। बिकॉज उनका जन्मदिन की मुबारकबाद अगर हम नहीं देंगे तो कभी उनके घर में खाने को नहीं मिलेगा। अगर आपने उनके घर का खाना नहीं खाया तो आपने लाइफ में कुछ मिस किया है डेफिनेटली। सब्यसाची अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आई होप आपकी हेल्थ, आपका सक्सेस और आपकी हैप्पीनेस तीनों बनी रहे। आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट बट या वॉट इज डिफरेंट इज लाइफ इज एब्सोल्युटली बिकम डिफरेंट। आप बाहर जा नहीं सकते अकेले, थोड़ा डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन जो प्यार आपको मिलता है इट्स वर्थ एवरीथिंग एल्स यार। लाइक आप सड़क पे भी जा रहे होगे जो नहीं जा पाते, लेकिन आपको आंटीज अंकल्स लोग इतने प्यार से मिलते हैं जैसे आप उनके घर के बच्चे हो, बिकॉज आपने आपको उन्होंने हर रोज़ देखा है एक एक घंटे के लिए। तो आई थिंक दैट होल फीलिंग दैट आप बिलोंग करते हो हर किसी के लाइफ में, दिल में बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आई होप दैट कंटिन्यूज फॉर एज लॉन्ग एज इट कैन। शिल्पा इज़ अ वेरी केयरिंग ह्यूमन बींग, वो बहुत केयर करती हैं और वो उनकी अच्छाई है, वो एक कोर नेचर है कि वो हर किसी को केयर करती हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक आई हैव कम्प्लीटली वुड लव टू टेक फ्रॉम हर। यस इट इज़ ट्रू बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। कलर्स हमें पैसे देंगे और हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे बिकॉज आई थिंक दे ज्योति स्पेसिफिकली रिक्वायर्स एंड बिकॉज वो बॉम्बे आ रही हैं गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो हम सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, केवल मैं ही नहीं पूरा बिग बॉस की टीम एक्साइटेड होगा जब वो खुद एक्टिंग करेंगी और खुद टी वी पर आएंगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि यू नो अपनी फैमिली का एक इंसान और आगे बढ़ाया गया। फिल्म क्या है यार, वो तो टेलीविजन हो या वेब सीरीज़ हो, जिस प्रोजेक्ट में वो सूट करती हैं, वो अच्छा काम करेंगी, वो प्रोजेक्ट में मैं उनके साथ डेफिनेटली काम करना चाहूँगा। घर की माँ, घर की चाची सब साथ में यहाँ पर, यही खाना खा के ये बच्चा बड़ा हुआ। देखो माँ की आँख कर दी, अरे माँ ने भी नहीं छोड़ा सिखाने में। थैंक यू मतलब सब सोचेंगे मैं अभी भी हाय दैया पे बैठी हूँ, है ना? नहीं, अरे he's a sweetheart, thank you. हाँ ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे, क्योंकि ये जब घर से चले गए थे ना तब हमने ये सब चीज़ें मिस की थी, लेकिन अच्छा हुआ चले गए इसलिए मैं विनर बन गई। नहीं तो विकास बन जाता। और हम चाहते हैं कि हमेशा हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे और खुश रहे और बहुत बहुत आबाद रहे यहाँ रहे। उस घर में भी इन्होंने झगड़ा नहीं किया कभी मेरे साथ, इन तीनों ने भी। एंड आई वॉज द बेस्ट पर्सन बट मैंने इन लोगों के लिए जगह छोड़ दिया। आई थिंक उनको दिमाग का इलाज करवाना चाहिए अगर वो ऐसा मानते हैं तो। उनको ऐसे रियलिटी शो में जाना चाहिए जहाँ पर वो खुद ही डिसाइड करें कि कौन विनर होगा। हाँ, exactly. और तो वो जीत जाएंगे, जो भी इस शो में जीता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आया, वो पब्लिक ने डिसाइड किया और बहुत अच्छा डिसाइड किया, क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा गेम खेला और उसके हिसाब से वो जीते हैं। तो अगर किसी को भी वो कहते हैं ना किसी आने बिल्ली खंबा नोच दिए, सो इट्स ओनली दैट। सो आई डोंट थिंक दैट्स इवन अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड एनीवे। वी आर वेरी हैप्पी। मैं तो ये डिस्कस भी नहीं कर सकता, मैं बहुत पहले निकल गया था, बट बाहर से जो देख रहा था दे वर वेरी गुड प्लेयर्स, जो भी आप लोग देख रहे थे, मैं अंदर भी था और बाहर भी था, ब्रिलियंट। मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री जो थी ना। सुना आपने? हाँ सुना आपने। मेरे पास कोई काम नहीं है और आई थिंक शिल्पा जो है वो क्वालिटी वर्क बिलीव करती है। मैं सच में क्वालिटी वर्क बिलीव करती हूँ और जब तक मुझे वो
किक नहीं लगती तब तक मैं वो नहीं कर पाती, और मुझे वैसा कुछ चाहिए कि अच्छा हो, बिकॉज मैं खुद बिग बॉस नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस कर लिया तो जब जब मैं दिल से सोचती हूँ कि मुझे वो करना है तो वो बेस्ट होता है, तो मुझे वो चाहिए वो कि कुछ अच्छा हो तो मैं करूँगी। इमेजिन करिए, नहीं चाह रही थी फिर भी जीत गई, चाहने से क्या करेगी। सी सलमान खान जी के साथ एक्चुअली जो स्क्रीन स्पेस हमने शेयर की है, जो इज्जत उन्होंने मुझे दी है, बेसिकली जो रिस्पेक्ट दी है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। एक्चुअली उसमें बहुत कुछ खुश हूँ मैं, और आई थिंक नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उनसे कुछ भी, सीरियसली। अच्छा लग रहा है मुझे जिस तरीके की मैं हूँ, टू बी फ्रैंक मुझे इज्जत मिलती थी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी बहुत जेन्युइनली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती ज़्यादा, और शायद उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो भी थी रियल थी, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। जी नहीं, मुझे नहीं। ये एक्चुअली बिग बॉस तो मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रहा है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि एक दो एपिसोड को छोड़ करके मैं देख ही नहीं पाया, कंटिन्यू शूट चलता था। सुबह 7 बजे से शूट करते थे, रात के 12-12 एक एक बजे तक शूट करते थे हम लोग। ओके, मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 का शूट चल रहा था और उसके लिए हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, तो वक्त नहीं मिल पाया है। वैसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सुप्रियांशी को, और जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी लोग आए हैं सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से बिग बॉस अभी शायद इस बार सीज़न 11 था, राइट, 12 बने, 13 बने, 14, 15 तक बने, हमेशा बनते रहे और हम लोग देखेंगे उसको। तो काफी मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों हैं, भोजपुरी के कई स्टार्स गए और जीते भी बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल, बिग बॉस की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे भोजपुरी हीरो लोगों से ही हुआ था। पहला रवि भैया थे शायद पहले में, उसके बाद मनोज भैया आए थे, तो भोजपुरी के हमेशा से कलाकार उसमें हिस्सा लिए हैं। इस बार बिग बॉस में नहीं थे भोजपुरी के कलाकार, उम्मीद करते हैं कि अगले साल भोजपुरी के कलाकार भी हों उसमें। बिग बॉस की बात करें तो सब्र रखना पड़ता है शो में, 50 दिन 55 दिन रहना पड़ता है, इस तरह से दिखावटीपन भी है, तो आपको ऑफर किया जाए तो आप दोनों से बर्दाश्त कर सकते हैं? मुझे ऑफर करेंगे लोग तो बाकी के जितने भी प्रतिभागी होंगे उनके लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि मैं ही विनर बन के निकलूँगा। पेशेंस रखना पड़ता है, हर चीज़ में पेशेंस होना चाहिए, और अगर पेशेंस नहीं होता तो आज हम एक्टर नहीं होते, क्योंकि मुझे जो पहला ब्रेक एज ए हीरो मिला था 2013 में दिलदार सवरिया, और मैं मुंबई भाग करके आया था अपने घर से, वो 2002 में आया था, तो 11 साल के लंबे सफ़र के बाद मुझे खुद ब्रेक मिला एज ए हीरो, तो 11 साल अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता तो शायद मैंने मुंबई में 11 साल नहीं निकाले होते। बड़े मुश्किल भरे वो दिन थे जिन्हें अब याद नहीं करना चाहता हूँ, ईश्वर ने अगर दो वक्त की रोटी दी है तो उसको इन्जॉय करना चाहता हूँ, ना कि अपने दुख भरे दिन याद करना चाहता हूँ। नहीं, बिग बॉस में बुरी बात होती तो फिर बिग बॉस इतने दिन तक सस्टेन नहीं करता, आगे तक इतना बड़ा है, एक इंटरटेनमेंट शो है जिसको लोग देखते हैं, मज़ा लेते हैं, हर साल एक स्टार पैदा होता है, अब वो कितने दिन तक टिकता है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन हर साल बिग बॉस से एक स्टार पैदा होता है। इसकी शुरुआती जो पहला एपिसोड था उसमें रवि किशन जी ने की थी, ये बड़े शान की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सरताज रहे हैं, तो बिग बॉस को उसी रूप में मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं पूरी तरह से कभी देख नहीं पाया, फिर मनोज तिवारी जी आए तो फॉलो किया, फिर दिनेश जी आए तो फॉलो किया, बाकी इस बार भी परिचित में एक अर्शी खान थी जिनको मैं देखता था बहुत ज़्यादा। साची जी के बर्थडे पे आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूँ, हमें बुलाया गया भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मैं आया, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं ही देता हूँ। आज की पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं आज यहाँ पे, तो एक माहौल है, उन्माद का माहौल है, उस माहौल में हम भी शामिल होने आ गए हैं। सतीश जी, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलेन, सबसे मशहूर विलेन हैं, क्या कहना चाहेंगे, बिग बॉस के लिए ऑफर मिले तो हम ही भरेंगे, और भरेंगे तो क्यों भरेंगे, अगर और नहीं भरेंगे तो क्यों नहीं भरेंगे? देखिए, बिग बॉस में मुझे लगता है कि जो ओरिजिनलिटी है अगर वो बाहर आए तो वो खेल का मज़ा है। मुझे लगता है कि ओरिजिनल रूप लोग अंदर ही दबा देते हैं और बाहरी रूप को लोग लाना चाहते हैं, जबकि रवि किशन जो थे वो बड़ा
आंतरिक रूप को बाहर लाए थे तो वो मज़ा आया था। तो बाहरी आवरण को ढक करके, और मुझे नहीं लगता कि इतने दिन घर में रहने के बाद एक साथ अगर इतने लोग एक घर में कैद रहें और फिर उनका आंतरिक रूप ही आना चाहिए, पता नहीं क्यों बाहरी रूप आप लोगों का आ जाता है। खेलने का मज़ा तो आता है, एक फेम मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अगर ऑफ़र मिले तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस ऑफ़र के लायक मैं अभी हूँ नहीं, तो जब होऊंगा तो मिलेगा तो देखा जाएगा। और प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? भोजपुरी, भोजपुरी के तो बस हमारे दर्शकों की दुआओं की वजह से भोजपुरी तो है ही, अपनी एक ऐसी जगह है, अपनी एक ऐसी मिट्टी है जो हमेशा हमारे अंदर समाहित है और मैं उस मिट्टी में समाहित हूँ। अभी मेरी हाल फिलहाल जो रिलीज होने वाली फिल्म है डमरू, जो मेरे बदलते करियर में एक बहुत ही मजबूत योगदान देने वाली है। मैं पिछले साल 2017 में मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया था एज एन एक्टर, वो बदलाव आगे कंटिन्यू बहुत मजबूत रूप लेने वाली है तो फिल्म डमरू से जो इस साल रिलीज होने वाली है। इसके बाद धर्मात्मा है, आवारा बलम है, बहुत सारी फिल्में हैं, मज़ा आ रहा है काम करके, जो लुफ्त लेना है। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि मैं एक अभिनेता के रूप में हर रोज़ काम न करूं, लेकिन जो भी करूं वो सबसे पहले आत्मसंतुष्टि मिले, तो मैं उस पर ज़्यादा विश्वास रखता हूं। काम वही करूं जिसमें पहले खुद को खुशी मिले, खुद को शांति मिले। मेरा मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है कि मैं रोज़ शूटिंग करूं, मैं रोज़ सेट पर रहूं, रोज़ कैमरे का सामना करूं। वर्कहोलिक मैं उस रूप का वर्कहोलिक नहीं हूँ, मैं काम करूँ, बड़ा अच्छा काम करूँ, बड़ी शिद्दत से करूँ, वो वर्कहोलिक हूँ मैं।